हेलो गाइस, मुशायद हुसैन इज हेयर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जाने हैं ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर फर्स्ट एक्साइटिंग लेक्चर, दैट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग व्यू, जिसमें हम डिफरेंट चार्ट्स की सेटिंग को सीखेंगे। उसके बाद चार्ट्स को पेंट करना सीखेंगे। और ये चार्ट पेंटिंग जो आपको टेक्निकल एनालिसिस पे स्किल्स है, ये आपको चार्ट पेंटिंग में एंड डिजाइनिंग में ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है, जिससे आप किसी भी मार्केट को उठा के देख लें, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स की मार्केट हो, चाहे स्टॉक्स की मार्केट हो, आया वो मार्केट किसी पेनी स्टॉक्स की हो या किसी वर्ल्ड की किसी भी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट की मार्केट हो, तो उन सबको आप जो ना इस टेक्निकल पे स्किल्स, जिसे हम चार्ट पेंटिंग कहते हैं या डिजाइनिंग कहते हैं, उसके थ्रू आप सीखेंगे। ये आपको जर्नल है, ये आपको क्रिप्टो फॉरेक्स ये स्टॉक में पेनी स्टॉक में काम आएगी। ठीक है, तो आप क्या सीखेंगे, इंशाल्लाह इन दी एंड यू विल लर्न हाउ टू ड्रा द डिफरेंट चार्ट एंड दैट विल हेल्प यू टू परस्यू योर कैरियर इन द फाइनेंशियल मार्केट्स एज वेल। अच्छा, तो ये इट्स लाइक सोशल नेटवर्क, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि है फेसबुक है, ट्विटर है, या इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, आप सभी लोग यूज़ करते हैं। तो ये भी एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ही है जो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स की कम्युनिटी यूज़ करती है। और मेरे नहीं ख्याल के दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं, सपोज अगर पूरे वर्ल्ड में 10 ट्रेडर्स भी हैं, तो 10 में से 3 यूज़ करते होंगे, 4 यूज़ करते होंगे, या 5 यूज़ करते होंगे, ऐसा नहीं है। ये वाइडली यूज़ होता है और तकरीबन सारे ट्रेडर्स ही ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं अपनी चार्ट्स की एनालिसिस के लिए, डिफरेंट स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो फॉरेक्स, चार्ट की पेंटिंग्स के लिए सारे यूज करते हैं। तो अच्छा, इसमें जो है वो ये क्यों यूज करते हैं हम, ये हम इसलिए यूज करते हैं कि अपनी एंट्रीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। मार्केट में एंटर कब होना है, एग्जिट कब करना है मार्केट से, तो बस यही गेम है। एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करनी है, बस इसके पीछे ही कहानी है, वो हम इसके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर सीखेंगे। और अच्छा, इसमें आप जो है ना वर्ल्ड के टॉप नॉच ट्रेडर्स हैं, आप उनके आइडियाज़ और आप उनके एनालिसिस को देख सकते हैं और आइडियाज़ समझ सकते हैं। और अपना इंशाल्लाह जब आप सीख जाएंगे, एक इतना काबिल बन जाएंगे, तो आप जो है ना वो अपना जो एनालिसिस है वो उनके एनालिसिस से कंपेयर करेंगे। तो इन द एंड यू विल गेन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग व्यू। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह, तो लेट्स जंप ऑन द ट्रेडिंग व्यू। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, आप ये ट्रेडिंग व्यू और जो MT5 है आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, तो ठीक है, जिसने भी डाउनलोड कर लिया है वो आज ये वीडियो देख ले। हाय हाय। अच्छा, ये एक इंटरफेस है, ऐसे कह रहे हैं, ये इसकी फर्स्ट लुक है ट्रेडिंग व्यू की। ठीक है, ये आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, तो बस हम डाउनलोडिंग वर्जन में चलते हैं उसमें। अच्छा, ये इसमें पेड भी हैं, कल मैंने बताया था, इसमें पेड भी हैं और फ्री भी है, हमने पेड वाला नहीं करना, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, हम अपना फ्री वर्जन वाला ही करेंगे। इंशाल्लाह एक दिन आप ऐसे काबिल बन जाएंगे कि हम, अगर इन्वेस्टमेंट इतनी आ गई, इतने फाइनेंशियल वो आ गए, स्टेबल हो गए हम, तो इंशाल्लाह हम वो भी यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा टूल्स होते हैं और ज़्यादा इंडिकेटर्स होते हैं। तो हम फिलहाल ये प्रो वर्जन यूज़ नहीं करेंगे, हम फ्री वाला यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा आ जाए इधर, ये मार्केट है। ठीक है, मार्केट में ये स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स की मार्केट है, EFT, क्रिप्टो फॉरेक्स, इंडेक्सेस, फ्यूचर, बॉन्ड्स,
एंड वर्ल्ड की इकोनॉमिक रिपोर्ट्स। ठीक है, तो मैंने कल आपको कहा था हमें हमारा जो मेनली फोकस होगा वो होगा फॉरेक्स पे। ठीक है, उसके साथ साथ हम क्रिप्टो को भी टच देंगे, इंडेक्सेस को भी देखेंगे। जो मेन हमारा थीम है वो फॉरेक्स है भाई। फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, इस पे ही हमने ट्रेड वगैरह सीखनी है, ये करनी है। एनालिसिस तो सारे सेम ही है। ठीक है, तो हम देखेंगे स्टॉक्स को, इसमें लार्ज कैप है। ठीक है, ये एप्पल है, अमेजोन है आपका, ये अल्फाबेट हो गया, मेटा प्लेटफॉर्म, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, लार्ज कैप मार्केट को हम देखते हैं। अच्छा, ये सारे लार्ज कैप मार्केट हैं। ये देखें आप, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेशन, ठीक है, इसकी ये प्राइस है, ये मार्केट कैप देख लें आप, 3.08 ट्रिलियन, 70 ट्रिलियन USD। इसका मतलब क्या है, मार्केट कैप क्या है बेसिकली, मार्केट कैप पे मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि दिन में एवरेज ट्रेड कितनी होती है, कितना वॉल्यूम आता है इसमें। तो ये एक दिन का वॉल्यूम है, एवरेज डे का वॉल्यूम है, इसके जो जो भी आप कहें ऐसे। तो एक दिन में भाई इतने ट्रेडर्स इसके माइक्रोसॉफ्ट के शेयर पे इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, ये करते हैं। उसके नीचे ही आपका एप्पल है, नवाडा है, अमेजोन है, अल्फा है, मेटा प्लेटफॉर्म है, बर्कली हाईवे है, ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, एक्सन मोबिल, मास्टर कार्ड, ये सारे। तो इसमें मैंने आपको कहा था हम शेयर मार्केट को देखेंगे कल, और स्टॉक्स को देखेंगे, क्रिप्टो को देखेंगे, सारे मार्केट्स के ओवरव्यू, सारे बेसिकली सारे ट्रेडिंग का हम ओवरव्यू करेंगे इसमें। तो ठीक है, चलते हैं। अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया होगा, सिंपल सा अकाउंट क्रिएशन होगा, जिसमें आप आपकी जीमेल लगेगी, आपका नेम लगेगा, और जैसे ही आप इसको साइन अप करेंगे तो एक वेरिफिकेशन आएगा ईमेल पे, बस उसको वेरीफाई करेंगे तो आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये वही हो गया, गोल्ड कॉम करते हैं रिमूव। ठीक है, ये वही नस्डक, गोल्ड, BTC, BSE, ये सारे मैंने उसमें देखता हूँ, एनालिसिस वगैरह करता हूँ इसमें। बैंक निफ्टी, शिपाही, सारे क्रिप्टो वाले मिक्स आ गए। तो आ जाएं स्टॉक्स में, देखते हैं हम पहले। ठीक है, ये टेस्ला है, एप्पल है, नवाडा है, AMD है, मेटा है, जैसा कि हमने अभी अभी गूगल पे देखा था, अमेजोन है, ये है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स हैं, टॉप स्टॉक्स हैं। अच्छा, ये नस्डक क्या है, नस्डक के तो ये इसका फुल फॉर्म है, नेशनल एसोसिएशन सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन। ठीक है, इस पे भी ट्रेड करते हैं लोग, ये भी बोलो बहुत वोलोटाइल है, इसमें भी पैसा है, मार्केट इसकी भी कैप बड़ी है। तो आ जाएं, डिफरेंट कंट्रीज के स्टॉक्स हैं, लेट सपोज हम उठा लेते हैं, ये तो USA का और कनाडा का चल रहा था, जैसे कि हम उठा लेते हैं, हाँ, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट। अच्छा, पहले पे ये पाकिस्तान, हाँ, OGDCL है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO है, PPL फील्ड है, एग्रो फर्टिलाइजर है, मीजान बैंक है, सिस्टम LTD, इस पर भी आप ट्रेड कर सकती हैं। और उसके अलावा अच्छा टाइप्स पे आ जाते हैं, कॉमन स्टॉक्स होते हैं इसमें। ठीक है, और आप जो स्टॉक पे ट्रेड करना चाहें वो उस पर भी कर सकते हैं। इधर आ जाएं इस सेक्टर पे। अच्छा, ये मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, जिस भी सेक्टर्स में आपका आपको पाकिस्तान मार्केट या शेयर मार्केट की स्टॉक्स चाहिए, एनर्जीज में चाहिए, वो एनर्जीज को जस्ट फाइनेंस में चाहिए, गवर्नमेंट के स्टॉक्स चाहिए, इंडस्ट्रीज के, रिटेल ट्रेड के, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में, लेट्स सपोज हम इनको ट्रेड करते हैं, ये इनके स्टॉक्स पड़े हुए हैं, आप इन पे भी एनालिसिस करके इनको बाय और सेल कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हम आएंगे फ्यूचर्स पे, आल पे आ जाएं, फ्यूचर्स पे आ जाएंगे। फ्यूचर्स पे भी ये कंपनियां पड़ी हैं, S&P 500 ग्लोबल फ्यूचर्स, ठीक है, मिनी नस्डक 100 फ्यूचर्स, माइक्रो नस्डक 100 फ्यूचर्स, अच्छा एक क्रूड ऑयल फ्यूचर्स है, बिटकॉइन फ्यूचर्स हैं, और ये सारे बैंक निफ्टी है, इंडिया की बैंक निफ्टी है, क्रूड ऑयल है, ये सारे DXY है, इस पे भी हम इसको भी हम थोड़ी देखेंगे, DXY क्या है, डॉलर इंडेक्स, इंडेक्स फ्यूचर, ये भी इम्पेक्ट करता है मार्केट पे, इसको भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम आएंगे फॉरेक्स पे।
अच्छा, ये फॉरेक्स में ये कॉमोडिटीज हैं, ये आपका हो गया यूरो यूएसडी, ठीक है। तो यूरो यूएसडी मतलब इसका क्या मतलब है, ये एक यूरो है, यूरो वर्सेस यूएसडी, इन दोनों का कोरिलेशन, ये यूरो और यूएसडी में जो भी वर्ल्ड वाइड ट्रेड होती है, करेंसीज एक्सचेंज होती है, बाइंग होती है, सेलिंग होती है, फ्लक्चुएशन जो भी होती है करेंसी में, हम उन पे ट्रेड करेंगे, हम बाय करेंगे, सेल करेंगे, हमें जो प्रॉफिट मार्जिन बचेगा हम लेके मार्केट से निकल जाएंगे, ठीक है। ये जीबीपी यूएसडी, ग्रैंड ब्रिटिश पाउंड हो वर्सेस यूएसडी, ये आपस में पेयर है, इन पे ट्रेड करेंगे हम। यूएसडी जेपीवाई, ये कॉमोडिटी सारे बेसिकली ये फॉरेक्स में, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ग्रैंड ब्रिटिश पाउंड, जेपनीज यान, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर वर्सेस यूरो वर्सेस यूएसडी, अच्छा यूएसडी वर्सेस कैनेडियन डॉलर, इस पर भी हम ट्रेड करेंगे, इनको भी हम देखेंगे। तो जितने भी हैं ये सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं। अच्छा, ये साइड में जो हैं ये इनके क्या है, ये सारे एक्सचेंजेस हैं, इनको आप ब्रोकर कह लें, एक्सचेंजेस कुछ इनमें से कुछ एक्सचेंजेस भी हैं, कुछ ब्रोकर्स भी हैं, ठीक है। ये दो दो बार तीन दिन बार आप कह रहे हैं यार, ये दो दो बार तीन दिन बार लिस्टेड हैं। अच्छा, तो ये इनका यही मतलब है कि ये लेट सपोज ये ऑन डाई यूरो जेपीवाई, और आगे हम देखेंगे ऊपर यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई किधर गया। अच्छा, ये डिफरेंट जो है ना वो एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, इनकी प्राइस डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं है, थोड़ी सी वेरी वेरी करती है। तो बस ये डिफरेंट ब्रोकर्स पे इनकी प्राइस होती है, ये सारे ब्रोकर्स और जो ना एक्सचेंजेस यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो उसके अलावा ये क्रिप्टो क्रिप्टो की मार्केट है, फॉरेक्स में पहले इधर देख रहे हैं। अच्छा हाँ, ये है ना, ये देखो ये आईसी मार्केट, ये ब्रोकर है, आई ब्रोकर है, आईसी डेटा से ब्रोकर ब्रोकर्स हैं, ये जेफीएक्स ब्रोकर है, ठीक है। पेपर स्टोन ये आपका एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज 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 एक्सचेंज, एट कैपिटल ये ब्रोकर है। अच्छा, ये सारे ब्रोकर्स इसमें लिस्टेड हैं और एक्सचेंज लिस्टेड हैं, जिस पे आप इनकी प्राइसेस को देखेंगे। आ जाए क्रिप्टो पर। अच्छा, ये जैसे ये बिटकॉइन है, बीटीसी यूएसडीटी, इसका मतलब है मैं बिटकॉइन को डॉलर में देख रहा हूँ, बीटीसी बिटकॉइन की प्राइस में डॉलर में देख रहा हूँ, बीटीसी यूएसडीटी ये देखे ना आपने, बाइनेंस भी है, ये ब्रिटिश सैम्प में है, ये डिफरेंट, बाइनेंस भी एक एक्सचेंज है, कोइन बेस भी एक एक्सचेंज है, इंडेक्स, ये बाइनेंस इंडेक्स भी एक्सचेंज है, बाइनेंस ये सारे देखें, ये क्रिप्टो कैप, बाइनेंस, बेबिट, बेबिट भी आपने सुना होगा, बाइनेंस भी, कॉइनबेस भी सुना होगा, कुकिन भी सुना होगा, ये सारे एक्सचेंजेस हैं, उन पे आप इनकी डिफरेंट जो है ना वो प्राइसेस लिस्टेड हैं, जिस पे भी आप ट्रेड करेंगे वो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये बीटीसी है, बीटीसी भी एक हाईली वॉलेटाइल है, इस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, बीटीसी क्रिप्टो। तो इसमें ये बीटीसी टू यूएसडी है, मतलब इसका मतलब यही है कि बिटकॉइन को हम यूएसडी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, ये आपका हो गया चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। ये यहाँ से साइड में जो है ये इसकी स्केलिंग है, स्केलिंग, इसको हम स्केलिंग कहेंगे, ये इसकी लाइव प्राइस जो भी मार्केट में चल रही होगी बीटीसी की यूएसडी में, वो हम इधर देखेंगे, इधर हमेशा होगी, ठीक है। अभी जो मार्केट बीटीसी बेसिकली क्रिप्टो है, क्रिप्टो मैंने आपको कल कहा था 24/7 चलती है, तो ये देखो अभी मार्केट चल रही है, तो बहुत स्लो है, सैटरडे संडे वैसे ही मार्केट से ट्रेडर्स आउट हो जाते हैं, वीकेंड सब करते हैं, तो इसलिए मार्केट में ट्रेडर्स होते नहीं है, तो मार्केट स्लो स्लो चलती है, कल की मार्केट है या आज की मार्केट है, बाकी ये आप देख लें ये कितना फ्लक्चुएट कर रही है, कहाँ से उठ के आई है, अभी अभी किधर, यहाँ पे इसका ये अक्यूमुलेशन हो रही है मार्केट की, ठीक है। तो ये बीटीसी है, तो यहाँ पे इस साइड, अच्छा ये साइड इसकी सारी प्राइसेस हैं, उससे पहले जैसे ही आप इस विंडो को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे यूटीसी है, इसको हम कर लेंगे +5, यूटीसी +5, यूटीसी कराची वाला कर लेंगे हम, किधर गया, ये यूटीसी +5 टाइमिंग कर लेंगे, ठीक है। अभी ये आपकी पहली सेटिंग इधर से हो गई। अच्छा, ये यहाँ से आप किसी भी स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं, लेट सपोज मैंने कहा गोल्ड,
ठीक है, ये गोल्ड यूएसडी आ गया, गोल्ड यूएसडी आ गया। अच्छा, ये मुख्तलिफ एक्सचेंजेस बेस के जो है ना वो लिस्टेड है, तो किसी को भी किसी को भी हम उठा लें, ठीक है, उस पर हम करेंगे, देखेंगे इसको, गोल्ड को देखेंगे। अच्छा, आल में हो जाए, इधर क्रिप्टो में दिखाएगा ना, आल में जाए, ठीक है। तो हम लेट सपोज कमोडिटी में इसमें देखेंगे गोल्ड को, ये गोल्ड की प्राइसेज है। अच्छा, ये फ्राइडे वाली नाइट को यहाँ पे क्लोज हुई थी 2082 पे, तो अभी ये आज रात इंशाल्लाह ये 4 बजे ओपन होगी। अच्छा, तो इधर इनके टाइम फ्रेम है, तो ये 1 सेकंड है, 1 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, 13 सेकंड है, और ये मिनट्स हैं इसके, ठीक है। ये इसका क्या मतलब, अगर इनमें से हम किसी को भी टिक करेंगे तो ये हमें जो ये कैंडल्स हैं, ये अभी तो 1 आवर की लगी हुई है, 1 घंटे की, ये एक एक कैंडल जो है ये एक एक घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है कि आया ये मार्केट यहाँ से उठी है और इधर तक, ये जो ग्रीन वाली है ये, तो ये इधर तक क्लोज हो गई है, तो ये 1 घंटे की कैंडल है, ठीक है। उसके बाद ये 1 2 3 3, ये जो आप रेड वाली देख रही हैं नीचे आए, ये 1 1 घंटे की कैंडल है, ये 3 रेड वाली, मतलब 3 घंटे में मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद मार्केट फिर से उठी है ऊपर, ठीक है। तो ये TF है शॉर्ट फॉर्म, इसको हम कहेंगे टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है। अच्छा, हम जो मेनली फोकस करेंगे टाइम फ्रेम पे वो होगा 4 आवर्स का और 1 आवर्स का और 1 डे का, ठीक है। 1 डे से लेके 1 डे, 4 आवर्स और 1 आवर का, ये तीनों पे आप नोट कर लें, 4 आवर्स, 1 आवर्स और 1 डे वाले जो है ना टाइम फ्रेम पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद हम 30 मिनट्स, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स तक भी जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये हमारा एच जो है ना, एच 1 आवर का है कैंडल, 1 आवर की कैंडल है, और इधर हम इसको 30 मिनट्स पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अभी चेंज नहीं हुआ, हो गया। तो ये 5 मिनट्स है, इधर एक एक कैंडल 5 मिनट, एक एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद ये 15 मिनट्स की है, ये 15 मिनट्स, ये एक एक कैंडल जो भी है 15 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद ये आपका 4 आवर, ठीक है, ये एक एक कैंडल जो भी है ये आपके 4 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। तो ये हो गई, इसको हम एक एक घंटे वाली कैंडल पे लगा लेते हैं। ठीक, हो गया। तो उसके बाद उसके साइड में यहाँ पे ये कैंडल्स हैं, ये नीचे शो भी हो रहा है कैंडल्स, इस पे हम आएंगे। अच्छा, इधर ऊपर एक कैंडल्स के ये सारे टाइप्स हैं, ये बार है कैंडल्स हैं, होलो कैंडल्स हैं, लाइन कैंडल्स हैं, लाइन विथ मार्कर्स हैं, स्ट्रिप लाइन से एरिया है, चलसी बेस लाइन, किसी को भी हमने नहीं देखना, हाइकनाशी किसी को भी नहीं देखना, ये जो कैंडल्स हैं इस पे ही हम मार्केट को वॉच करेंगे, इस पे ही हम मार्केट की जो है ना एनालिसिस वगैरह करेंगे। अच्छा, इसी पे ही मार्केट पे ड्राइंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, ठीक है, इसी पे ट्रेड करेंगे। तो अच्छा, कभी कभी हम लाइन को भी यूज़ करेंगे, जैसे ये, ठीक है, इसको भी कभी कभी हम यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, कभी कभी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें भी, इसकी भी अपनी कोई एक वजह है, इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे इस पे कैंडल्स पे, ज्यादातर काम हम कैंडल्स पे ही करेंगे। अच्छा, तो ठीक हो गया। उसके बाद ये कैंडल्स की सेटिंग करेंगे हम, यहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, बीच पे इधर आ जाएंगे सेटिंग पे, ठीक है। तो ये बॉडी है, बॉर्डर्स हैं और विक है, ठीक। अभी ये बॉडी बॉडी ये बाय वाली जो दिखा रही है, बाय वाली जो दिखा रही है वो आपकी ग्रीन है। अच्छा, सेल वाली जो है वो आपकी रेड है। तो यहाँ पे जो जितने भी हैं, ये अगर जो ये रेड वाले हैं वो आपके सेल वाले कैंडल्स हैं, और जो ग्रीन वाले हैं ये आपके हो गए बाय वाले कैंडल्स। अच्छा, ये अपनी आप जो है ना इसकी स्पेसिफिकेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जो भी आपके नेकेड आई को अच्छा लगे। कुछ लेटर्स बाय वाली जो है ना वो ब्लू कर लेते हैं, सेल वाली ग्रे कर लेते हैं, पिंक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये आप थोड़ी आप पे डिपेंड है, आपको जो भी अच्छा लगे, जैसी भी स्पेसिफिकेशन
आपको अच्छी लगे तो आप वो रख लें। बाकी ये जो है ये जनरल ही है, ठीक है, मैं इसको ग्रीन ही रहने देता हूँ बॉडी, ठीक है, इसको हल्का ग्रीन करते हैं, बॉर्डर को इसको भी हल्का ग्रीन करते हैं, जैसे विजिबल थोड़ा अच्छा हो, विक को भी हम हल्का ग्रीन कर देते हैं, ऐसे ही रेड है, रेड को ठीक है, इधर हम इधर रेड को भी हम हल्का कर देते हैं। अच्छा, ये अपनी स्पेसिफिकेशन आप अपने हिसाब से ही कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आपको जो भी अच्छा लगे, आप बाय वाले को चाहे रेड कर लें, अच्छा ग्रीन वाले को चाहे आप सेलिंग कर लें और रेड वाले को आप बाइंग कर लें, कलर अपने हिसाब से रखें, कोई मसला नहीं है इसमें, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर लें, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे ओके हो गया, अभी ये कैंडल्स भी हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं साइड में, ये हमारे डिफरेंट टूल्स हैं जिसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, ये आपकी ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट, ये आपकी ट्रेंड लाइन है, इसको जैसे भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, ऊपर नीचे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, मार्केट का ट्रेंड ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड किधर जा रहा है, मार्केट का अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है वो हम मालूम करेंगे। उसके बाद ये फिबोनाची है आपका, ठीक है, ये फिबोनाची बेसिकली ये यूज़ होता है, ये बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, इस पे स्ट्रेटेजी भी है फिबोनाची पे, के बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं फिबोनाची को, और इसकी स्टडी जो है वो 65-70% मार्केट पे चल रही है अभी, ये उनको पता चल गया है कि भाई ये सारे फिबोनाची पे कर रहे हैं वो, अभी मार्केट और थोड़ी ज़्यादा हो गई है, वोलेटाइल हो गई है, अभी इतनी स्ट्रेटेजी वैलिड नहीं रही, फिर भी काम करती है 60-65%, ठीक है। हम इसको भी सीखेंगे फिबोनाची को भी, और ये सारे फिबोनाची एक्सटेंशन है, ब्रशेज एंड टेक्स्ट है, ठीक है, ये सारे बेसिकली वो टूल्स हैं जिस पे हम ट्राइंग करेंगे अपने चार्ट्स पे। अच्छा, उसके अलावा और क्या है, अच्छा हाँ ये है, ये स्केलिंग है, आप इसे चाहें, ठीक है, इसकी सेटिंग में चाहें, ये सैम्पल है, वैल्यू जो लाइन शो रही है इसमें आप नेम पे टिक करेंगे, ये आ जाएगा गोल्ड इधर, इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, इधर ये आ जाएगा, ये आप खुद कर सकते हैं, वैल्यू आपको शो होगी, ठीक है, अगर आप लाइन शो नहीं करना चाहते इधर इसको टिक कर दें, खत्म हो जाएगी, लाइन शो नहीं होती, नहीं होगी आपको। उसके बाद में ये बस ये सिंपल सी सेटिंग है, आपको जो भी अच्छा रहे आप अपने हिसाब से ही कर लें। तो ये हो गई, ये स्केलिंग है, ये इनकी प्राइसेस हैं, ठीक, और उसके बाद हाँ ऊपर ये इंडिकेटर्स हैं। अच्छा, ये रहे ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स जो मैं बात कर रहा था, आप ये इंडिकेटर्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, प्रोफाइल है, पैटर्न्स हैं, ठीक है, इनमें से आप जो भी उठा लें, मेन लीड सपोज मैं कह रहा हूँ RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, ये जो भी इंडिकेटर आप इधर उठाएंगे इंशाल्लाह दो तीन हम यूज़ करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि उनको उनकी सेटिंग कैसे करनी है, उनको कैसे लगाना है इंडिकेटर्स को, तो ये RSI में तो लगा रहा हूँ, इसको रिमूव करेंगे, ये RSI आपका नीचे से लग गया, ठीक है, ये अभी यार ये तो ओवर वैल्यूड है, अभी देखें ये RSI, हाँ ठीक है, मार्केट बहुत बाय में चली गई है ज़्यादा, इसको रिमूव करेंगे फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे आप इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स, यहाँ पे फाइनेंशियल और कम्युनिटी स्क्रिप्ट, माना लोगों के अपने जो है ना वो वो कंपनीज के, मुख्तलिफ कंपनीज के यहाँ पे जो ना इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं, ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे वो, मैं वही पहले मैंने जो आपको बताया था कि हमने इंडिकेटर्स पे डिपेंड ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये इंडिकेटर्स कभी कभी काम नहीं करते, 70-75% तक आप कह लें इंडिकेटर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, थोरोली इस पर डिपेंड नहीं करना। तो ठीक है, हम मुख्तलिफ देखेंगे मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या कह रही हैं,
अच्छा, और मार्केट को फंडामेंटल, मार्केट फंडामेंटल कितना इम्पेक्ट कर रहा है मार्केट पे। फॉरेक्स में बेसिकली होती है न्यूज़ इम्पेक्ट करती हैं, फंडामेंटल बहुत इम्पेक्ट करते हैं। ये आपके इंडिकेटर्स, ये आपके एनालिसिस सारे धरे के धरे रह जाएंगे जब कोई फाइनेंशियल मार्केट्स की कोई भी न्यूज़ आ जाएगी। लेट्स सपोज न्यूयॉर्क सेशन में या मोस्टली अमेरिकन सेशन में न्यूज़ वगैरह आती हैं जो बहुत मार्केट पे असर करती हैं, तो आपके इंडिकेटर्स काम नहीं करते भाई। टेक्निकल्स कुछ और कहती है, मार्केट कुछ और कर देती है। तो इंडिकेटर्स पे भी डिपेंड नहीं करना, फुल्ली डिपेंड नहीं करना। हाँ, आपकी मदद करते हैं किस हद तक, कुछ उनकी भी सर्टेन लिमिट्स हैं आपको दिखाएंगी। अच्छा, ये मदद कैसे कर सकती हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस देंगी, ये आपको टेक्निकल हिसाब से ओवरव्यू से आपको दिखाएंगी ये ठीक है मार्केट बाय में सेल में, ठीक है बस, ठीक है यही है सारा कुछ। तो ये आपका हो गया सारा, आई थिंक ट्रेडिंग व्यू का ओवरऑल हो गया ये ओवरव्यू। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो स्टार्ट करेंगे अपना चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स ना, पहले कैंडल स्टिक पैटर्न स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम चार्ट पैटर्न्स को सीखेंगे। तो बस ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।